हेलो दोस्तों, आज हम हैं भारत के पवित्र शहर उज्जैन, मध्य प्रदेश में महाकाल मंदिर के पीछे स्थित विक्रम टीला में भारतीय राजा विक्रमादित्य की 30 फीट ऊंची प्रतिमा है। तो चलिए चलते हैं विक्रमादित्य सिंहासन 32 देखने के लिए। ये जो 32 है, ये रुद्र सागर तालाब के बीचों बीच स्थित है और यहाँ पर आपको जाने के लिए इस ब्रिज के ऊपर से जाना पड़ता है। बहुत ही भव्य मुख्य द्वार से हमने प्रवेश किया है। अंदर जाते ही आप पहुंचते हैं राजा विक्रमादित्य के मंदिर पे। तो यहाँ उनका छोटा सा मंदिर बना हुआ है। यह प्रतिमा उज्जैन नगर निगम और सिंहस्थ तैयारी समिति द्वारा पीतल से बनाई गई है। प्रतिमा के आसपास आप 9 दरबारियों की भी प्रतिमा देख सकते हो। संस्कृति पुरुष उज्जैनी नरेश विक्रमादित्य के दानवीर, न्यायशील एवं तेजस्वी व्यक्तिमत्व की कीर्ति कथाएं शताब्दियों से जनमानस में प्रतिष्ठित है। जनश्रुतियों के अनुसार शकों पर विजय प्राप्त करने की स्मृति में विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत का आरंभ किया। विक्रमादित्य की सभा उच्च कोटि के विद्वानों से सुशोभित थी, जो नवरत्न के नाम से विख्यात हुए हैं। सिंहासन 32 और बेताल 25 की जगह प्रसिद्ध कथाएं महाराजा विक्रमादित्य की कीर्ति और पुरुषार्थ का वर्णन करती है। भारत के कई राजाओं ने विक्रमादित्य को अपना आदर्श माना और उनके नाम को उपाधि की तरह धारण किया। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के रहस्यमय सिंहासन का क्या हुआ, यह कोई नहीं जानता। लेकिन जब वह सिंहासन धार के राजा राजा भोज को मिला, तो वो मालवा का इतिहास बदल गया। इसके बाद से एक नई परंपरा तो प्रारंभ हुई, साथ ही दुनिया को सिंहासन 32 की दिलचस्प कहानियाँ भी मिली। आओ जानते हैं कि सिंहासन 32 के मिलने की अद्भुत कहानी। प्राचीन समय की बात है, उज्जैन में राजा भोज राज्य करते थे। वह बड़े दानी और धर्मात्मा थे। उनके बारे में प्रसिद्ध था कि वह ऐसा न्याय करते कि दूध और पानी अलग-अलग हो जाए। नगरी में एक किसान का खेत था, जिसमें उसने कई साग सब्जी लगा रखी थी। एक बार की बात है कि खेत में बड़ी अच्छी फसल हुई। पूरी ज़मीन पर तो खूब तरकारियाँ आई, लेकिन खेत के बीचों बीच थोड़ी सी ज़मीन खाली रह गई। हालांकि किसान ने उस ज़मीन पर भी बीज डाले थे, लेकिन वहाँ कुछ नहीं उगा। किसान ने वहाँ खेत की रखवाली के लिए एक मचान बना लिया। जब भी किसान मचान पर चढ़ता, अपने आप चिल्लाने लगता, कोई है, राजा भोज को पकड़ लाओ और सजा दो, मेरा राज्य उससे ले लो, जाओ जल्दी जाओ। सारी नगरी में यह बात आग की तरह फैल गई और राजा भोज के कानों में पहुंची। राजा ने कहा, मुझे उस खेत पर ले चलो, मैं सारी बातें अपनी आँखों से देखना और कानों से सुनना चाहता हूँ। राजा भोज जब उस जगह पहुँचे, तो उन्होंने भी वही देखा कि किसान मचान पर खड़ा है और कह रहा है, राजा भोज को फौरन पकड़ लाओ और मेरा राज्य उससे ले लो। यह सुनकर राजा चिंतित हो गए, चुपचाप महल में लौट आए। उन्हें रात भर नींद नहीं आई। सवेरा होते ही उन्होंने राज्य के ज्योतिषों और जानकार पंडितों को इकट्ठा किया। उन्होंने अपनी गोपनीय विद्या से पता लगाया कि उस मचान के नीचे कुछ छिपा है। राजा ने उसी समय आज्ञा दी कि उस जगह को खुदवाया जाए।
खोदते खोदते जब काफ़ी मिट्टी निकल गई तो अचानक एक सिंहासन प्रकट हुआ। सिंहासन के चारों ओर 8-8 पुतलियाँ यानी कुल 32 पुतलियाँ खड़ी थी। सबके अचरज का ठिकाना न रहा। राजा को खबर मिली तो सिंहासन को बाहर निकालने को कहा, लेकिन कई मजदूरों के जोर लगाने पर भी वह सिंहासन टस से मस न हुआ। तब एक पंडित ने कहा कि यह सिंहासन देवताओं का बनाया हुआ है, अपनी जगह से तब तक नहीं हटेगा जब तक कि राजा स्वयं इसकी पूजा अर्चना न करे। राजा ने ऐसे ही किया। पूजा अर्चना करते ही सिंहासन ऐसे ऊपर उठ गया मानो फूलों का हो। राजा बड़े खुश हुए। सिंहासन में कई तरह के रत्न जड़े थे जिनकी चमक अनूठी थी। सिंहासन के चारों ओर 32 पुतलियाँ बनी थी। उनके हाथ में कमल का एक एक फूल था। राजा ने हुक्म दिया कि खजाने से रुपया लेकर सिंहासन दुरुस्त करवाए। सिंहासन सुंदर होने में 5 महीने लगे। अब सिंहासन दमक उठा था, जो भी देखता देखता ही रह जाता। पुतलियाँ ऐसे लगती मानो अभी बोल उठेगी। राजा ने पंडितों को बुलाया और कहा, आप लोग कोई अच्छा मुहूर्त निकालो, उस दिन मैं इस सिंहासन पर बैठूंगा। दिन तय किया गया। दूर दूर तक लोगों को निमंत्रण भेज दिए। तरह तरह के बाजे बजने लगे। महल में खुशियां मनाई जाने लगी। पूजा के बाद जैसे ही राजा ने अपने दाहिना पैर बढ़ाकर सिंहासन पर रखना चाहा कि सारी पुतलियाँ खिलखिलाकर हंस पड़ी। लोगों को बड़ा अचंभा हुआ कि यह बेजान पुतलियाँ कैसे हंस पड़ी। राजा ने अपना पैर खींच लिया और पुतलियों से पूछा, ओ सुंदर पुतलियों, सच सच बताओ कि तुम क्यों हंसी। पहली पुतली का नाम था रत्नमंजरी। राजा की बात सुनकर वह बोली, राजन आप बड़े तेजस्वी है, धनी है, बलवान है, लेकिन इन सब बातों का आपको घमंड भी है। जिस राजा का यह सिंहासन है वह दानी वीर और धनी होते हुए भी विनम्र थे, परम दयालु थे। राजा बड़े नाराज हुए। पुतली ने समझाया, महाराज यह सिंहासन परम प्रतापी और ज्ञानी राजा विक्रमादित्य का है। राजा बोले, मैं कैसे मानूं कि राजा विक्रमादित्य मुझसे ज़्यादा गुणी और पराक्रमी थे। पुतली ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें राजा विक्रमादित्य की एक कहानी सुनाती हूँ। सिंहासन 32 की पहली पुतली रत्नमंजरी ने सुनाई एक कहानी। इसके बाद एक एक करने 32 पुतलियों ने राजा विक्रमादित्य की महानता और शिक्षा की कहानियाँ सुनाई। आशा करते कि आपको ये वीडियो पसंद आया, तो वीडियो ज़रूर लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशंस ऑन कीजिए ताकि आपको तुरंत वीडियो अपडेट्स मिल जाए। हमने उज्जैन के और भी बहुत सारे जगहों के वीडियोस बनाए हैं, तो वो भी आप ज़रूर देखिए। उज्जैन दर्शन की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।